नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया विक्स क्या है, इंडिया विक्स आपके ट्रेडिंग में कितना इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिंग में भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग में भी काफी हेल्पफुल है। इंडिया विक्स को समझना काफी जरूरी है। देखिए अगर आप मार्केट में एक्टिव रहते हैं तो आपकी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए इंडिया विक्स को जानना काफी इंपॉर्टेंट है। खास करके ट्रेडिंग में तो काफी ज्यादा जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए और भी काफी ज्यादा ये हेल्पफुल होगा। विक्स यहाँ पर बात करें 5 वेरिएबल से बना है। पहला, स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करते हैं, आप कौन सा इंडेक्स चुन रहे हैं, स्टॉक चुन रहे हैं, उसके अनुसार डिपेंड करता है। पहला स्ट्राइक प्राइस, फिर कौन सा स्टॉक इंडेक्स चुन रहे हैं, उसका जो स्पॉट प्राइस है स्पॉट प्राइस पे डिपेंड करेगा, स्पॉट प्राइस कहाँ पे है। उसके बाद टाइम क्या है एक्सपायरी में, और रिस्क फ्री रेट क्या है, और अभी रिस्क फ्री रेट ये हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके वेबसाइट पर आपको जाकर देखना पड़ेगा, आरबीआई का जो वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगा रिस्क फ्री रेट। फिर वोलेटिलिटी, ऐसे लोग ज्यादा कहेगा कि हम डायरेक्ट ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है, लेकिन वोलेटिलिटी इंडेक्स यहाँ पर होने के साथ साथ ये इन सभी वेरिएबल्स को रखता है, स्ट्राइक प्राइस आपका क्या है, स्टॉक का स्पॉट प्राइस क्या है, टाइम क्या है एक्सपायरी में, इन सभी चीजों पे ये डिपेंड करता है विक्स। ये तो थोड़ा सा एक मतलब है एक तरह से डिफिनेशन हो गया, हम यहाँ पर कैसे यूज करेंगे उसको जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल चार्ट पे देखिए, हम चार्ट को ज्यादा प्रीफर करते हैं उसके कॉम्प्लेक्स चीजों में जाने से ज्यादा है कि हम यहाँ पर चार्ट पे समझें। देखिए चार्ट पे इंडिया विक्स जब भी 20 के ऊपर हो जाए तो मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है, मतलब मार्केट नीचे भी आएगा और ऊपर भी जाएगा, जैसा कि अभी आपको देखने मिलेगा। देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ काफी ज्यादा, फिर यहाँ से कल जहाँ पर क्लोज हुआ था उसके करीब आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए पिछले दिन भी गैप डाउन ओपन हुआ और फिर जो है प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उससे भी ऊपर चला गया, फिर क्लोजिंग होता है उसके नीचे। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइड का मूवमेंट आपको मिल रहा है, तो वोलेटाइल मार्केट इसे कहते हैं। आपको दोनों साइड के मूवमेंट देखने मिलेंगे और वो भी मूवमेंट काफी फास्ट, देखिए नीचे भी आया काफी फास्ट आया और यहाँ से जब ये ऊपर का मूवमेंट पकड़ा वो भी काफी फास्ट। देखिए आज का मोमेंटम गैप डाउन हुआ, डाउन मोमेंटम आपको देखने मिला, फिर यहाँ से जब ऊपर का मोमेंटम आया तो ये भी काफी फास्ट था, मात्र 45 मिनट में देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है हमारा जो निफ्टी है 16,900 से यहाँ पर पहुंच चुका था 17,145, तो इतना ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है। और वही बैंक निफ्टी देखिए तो ये तो और काफी ज्यादा वोलेटाइल है, जब निफ्टी वोलेटाइल है बैंक निफ्टी तो उससे ज्यादा पहले से वोलेटाइल है। यहाँ पर विक्स को कैसे यूज करेंगे, 20 के ऊपर जैसे विक्स हमारा चला जाए तो समझ जाइए वोलेटिलिटी काफी इंक्रीज हो गया। यहाँ पर आप एक साथ एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट दोनों को बाय कर सकते हैं, जैसे तेज मोमेंटम के कारण अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी मार्केट के वोलेटिलिटी के अनुसार हम लगाते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वोलेटिलिटी के अनुसार, जो 20 के ऊपर चला गया तो काफी ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ जाएगा, अगर ये जितना ऊपर जाता जाएगा इंडिया विक्स उतना ही ज्यादा वोलेटाइल मार्केट आपको देखने मिलेगा। तो अभी काफी कंसस रहकर के आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग भी काफी कंसस रहना पड़ेगा। मार्केट नीचे आएगा फिर उतना ही बाउंस बैक करेगा, फिर नीचे आएगा। अभी देखिएगा बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो पूरी तरह से क्रैश हो रहे हैं, कई सारे स्टॉक्स है जो अपने टॉप से 40% 30% तक क्रैक हो चुके हैं। यहाँ देखिए पीछे चलते हैं, देखिए इंडिया विक्स जब जब 20 के ऊपर गया हो आप यहाँ पर जाएंगे तो देखिएगा वोलेटिलिटी जो होगा निफ्टी में काफी ज्यादा देखने मिलेगा। और वहीं जो 20 का गिरावट था मार्च 2020 का, वहां पर देखिए इंडिया विक्स जो है काफी ऊपर जा चुका था यहाँ पर 80 के आसपास, यहाँ पर वोलेटिलिटी जो है काफी ज्यादा देखने मिला था, 1000 पॉइंट ऊपर और 1000 पॉइंट दूसरे ही दिन गैप डाउन, ये तो हमने काफी कम कहा, तो 2000-3000 पॉइंट ऐसा मोमेंटम वन साइड देखने में था ऊपर नीचे, इतना ज्यादा यहाँ पर वोलेटिलिटी बढ़ चुका था। अब देखिए जैसे विक्स जो है यहाँ पर जैसे 20 के काफी नीचे आ गया, तो यहाँ पर आपको जो है वोलेटिलिटी काफी कम देखने मिलेगा, जब विक्स 20 के नीचे होगा यहाँ पर आपको प्रीमियम भी काफी कम देखने मिलेगा, जो ऑप्शन का एटीएम स्ट्राइक प्राइस है जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है उसमें काफी कम मतलब आपको यहाँ पर प्रीमियम देखने मिलेगा। तो देखिए विक्स यहाँ पे भी ऊपर गया था 20 से, जब जब विक्स 20 के ऊपर जाएगा मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब के मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, वो आपका स्टॉप लॉस लेगा, स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर मार्केट अदर डायरेक्शन में, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस काफी ज्यादा हंटिंग होता है जब विक्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया हो, तो यहाँ पर आप हेजिंग के साथ जाए, जहां भी ट्रेड करते हैं हेज के साथ जाए। अगर आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है अपने स्टॉक को हेज कीजिए, ताकि कोई भी बड़ी गिरावट हो तो वहां आपको बड़ा लॉस ना दिखाए पोर्टफोलियो में।
तो कई सारी चीजें होते हैं जहां जो कि आप इंडिया विक्स से रिलेट कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। तो कभी आगे मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा किस तरह से आप जो है अपने पोर्टफोलियो को फ्यूचर के साथ ऑप्शन के साथ हेज कर सकते हैं और किस तरह से आप इंडिया विक्स के साथ उसको कोरिलेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और विक्स पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ये विक्स 20 के ऊपर जा रहा हो, यहाँ तो विक्स जो है ब्रेकआउट भी दे चुका है, यहाँ पर जो आसपास का रेसिस्टेंस रीजन था 24 का उसको ब्रेक कर चुका है। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है विक्स, तो वॉलिटिलिटी जो है मार्केट में काफी ज्यादा आपको देखने मिलेगा। कब तक? जब तक कि ये यहाँ पर 23-24 के ऊपर है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।